hello dear friends welcome to sobhita Graval classes first of all i will recommend you do subscribe my channel and press the bell icon also so that you may not miss any notification first of all i would like to introduce myself sobhita garwal myself sobhita garwal and as you all know i am three times selected in tgt and pgt and even in tgt 2016 i got 7th rank in up and 2nd highest in return and as well as i also selected in pgt and with good rank of 19 and currently working as a lecturer in murli manhar inter college port district Assembly. so on this channel i always try to do my best i try to share my knowledge um, from which uh, i got such गुड पॉजिशन इन यू पी टी जी टी एंड पी जी टी तो टोडेज टॉपिक एज यू कैन सी पैथेटिक पॉलिसी एंड एफेक्टिव पॉलिसी ये दोनों ही जो टॉपिक हैं आप जैसे देख सकते हैं पैथेटिक और एफेक्टिव पॉलिसी पॉलिसी दोनों में सेम ही हैं लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है पैथेटिक में और एफेक्टिक पॉलिसी होता क्या है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पैथेटिक पॉलिसी क्या है पॉलिसी ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग टू इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट मतलब जब भी कोई अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें जब हम लाइफ जब उन्हें हम ह्यूमन फीलिंग्स देते हैं वो होता है पैथेटिक पॉलिसी ये बात ध्यान रखना तब एक तरीके से लाइक like पर्सनिफिकेशन यू कैन एज्यूम दैट पैथेटिक पॉलिसी इज लाइक पर्सनफिकेशन पर्सनिफिकेशन के जैसे ही है इसमें जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्रेंडली सन तो फ्रेंडली जो होता है मनुष्य के लिए यूज होता है ह्यूमन फीलिंग है वो यूज़ किया हुआ है सन के लिए इस तरह वियरी वे वेयर होता है रास्ता वियरी थका हुआ थका हुआ कौन होता है मनुष्य होता है तो ह्यूमन फीलिंग जो है वो दी गई है एंड फ्लावर्स डांस इन विंड जो डांस जो कौन करता है डांस भी मनुष्य करता है तो यो भी फीलिंग जो काम जो दिया हुआ है वो विंड को दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है पैथेटिक पॉलिसी है द एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग टू एन इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट वो पैथेटिक पॉलिसी अब यहाँ पर देखते हैं अफेक्टिव पॉलिसी हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं भावात्मक भ्रांति जब कन्फ्यूजन बिटवीन पोएम एंड पोएम एंड इट्स रिजल्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन पोएम एंड इट्स रिजल्ट जब किसी पोएम में और उसके रिजल्ट में जब कन्फ्यूज़न हो तब होता है अफक्टिव पॉलिसी और ये जो टर्म है वो कॉइंट की गई थी विमसे ब्रेस्टली ये दो राइटर्स हैं जो दोनों क्रिटिक हैं इन्होंने ही ये जो टर्म एफेक्टिव पॉलिसी जो है ये इन्होंने ही कोइंट की थी एरर ऑफ एक और डेफिनेशन के थ्रू से देख सकते हैं और ज़्यादा आपको समझ में आएगा एरर ऑफ जजिंग अ टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इफेक्ट ऑन अ रीडर जब हम एरर किसी तरीके का हमारे एरर हो जाता है जज करने में ए टेक्स्ट टेक्स्ट को हम जब भावात्मक रूप से जब हमारे सामने कोई टेक्स्ट है और हम भावों में बहकर उसका कुछ और अर्थ निकाल लेते हैं अब बेसिकली उसका अर्थ कुछ और होता है मतलब हमें एक तरीके से इमोशन जो है इमोशन जो हमारा होता है उसमें हम उसमें बहकर हम एरर कर देते हैं टेक्स्ट को जज करने में तो वो होता है अफेक्टिव पॉलिसी अ पोएम शुड बी डिस्क्राइब एक और तरीके से हम देख सकते हैं अ पोएम शुड बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन इंटरनल स्ट्रक्चर, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स एक जो पोएम है वो डिस्क्राइब की जानी चाहिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से न कि इमोशनल रेस्पॉन्स से मतलब जो हमारे सामने कोई टेक्स्ट दिया हुआ है भावों में ना बहकर हम उसे एक जो उसका इंटरनल जो इफेक्ट है उस पर ही देखना चाहिए लेकिन क्या होता है इफेक्टिव पॉलिसी में राइटर क्या होता है कैरी अवे हो जाता है और वो जो उसका इमोशन में कैरी अवे होकर जो उसका टेक्स्ट का जो मेन थीम या असेंस था उसमें वो एरर कर देता है तो वो होता है इफेक्टिव पॉलिसी अनपैथेटिक पॉलिसी भी ये दोनों अब टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो गए हैं ये दोनों में यही मेन मेजर डिफरेंस था तो आप वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली टी जी टी वैकेंसी में यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मटेरियल मिलेगा मेरे चैनल से कई लोग सेलेक्ट भी हुए हैं किसी को टी जी टी के नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है सेवन फोर वन सेवन फोर सिक्स फोर एट फाइव थ्री पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो मेरे पर्सनल नोट्स हैं तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू मे नॉट मिस एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड